के बाप ने कुछ भी काम नहीं करा काम में। मंत्री की शायद है ये तो काम सा, नाई दाजो नाई की माँ जो नाई की बहन मंत्री का एक तरफ है तो भारतीय। और इसी तरीके से लगातार विद्युत विभाग परेशान कर रहा है, गांव के बीच में है और जिस तरीके से गांव परेशान है, जैसा कि हम बलवे में गए, बलवे वाले बहुत ज्यादा परेशान है, बलवा गुजरान पासी में है, रसूलपुर गुजरान। और कल किसान यूनियन ने, भारतीय किसान यूनियन ने एक बैठक भी बुलाई थी जिसमें विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए और जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देने के लिए किसान बहुत जल्दी इकट्ठा होकर शामली की ओर रुख करने वाले हैं। हजारों की संख्या में किसान शामली जा सकते हैं और लोग सुबह चुनाव को लेकर भी बातचीत करेंगे। हाँ, ताय के नाम है, क्या नाम है? नन्नू। बिजली वाले काम में है कि नहीं? हाँ मैं बिजली वाले, हाँ परेशान कर रहे। हाँ बस किसी का चेक इन पे आए खड़े रहे यहाँ तो कतिया बिल काम में ज्यादा बिल है कम है? कनेक्शन तो बता रहे थे, बिल का नहीं पता कितना होगा, तंग कर रहे फिर बिजली वाले। हाँ क्या लग रहा है, जैसा जा चुनाव नजदीक है, लोकसभा के ही करा कहें चुनाव लड़ेगी, फिर किसके खेल लोगे? जो सा हमारा काम करेगा उससे खेल हो जाएंगे। तो काम तो करें कही कहना, इधर तो काम करें ना, हमारा काम करने करा हमने फिर नहीं। यहाँ कौन ज्यादा काम कितना करवा रखे? यहाँ मंत्री करवा काम, मंत्री खेल लोगे फिर और क्या करे जी, जो उनका काम देगा उसी। सारे नु कहे मुसलमान तो छिड़ दे सारे भाजपा पे, भाजपा में जिनको भाजपा में हो या कहीं भी हो, बस सुन जो अपने काम आवेगा उसी के दोनों जा जाओ। बदल सकाइब का मामला बदल आज तक तो मतलब हमने भी होश संभालो, मतलब 40 साल हो जाए आज तो ना 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 इतने ना ना इसके बाप ने कुछ भी काम नहीं करा काम में। हाँ भाई फिर कल इतने क्यों चढ़ने वाले हो रहे ना इतने? बस कुछ लोग होंगे यहाँ चढ़ने वाले, मतलब समझ में आया उसका मामला। चलो और भी हैं भाई साहब, आप क्या कहोगे? मंत्री की शायद है ये तो काम सा, नाई दाजो नाई की माँ जो नाई की बहन। मंत्री जी का तो साथ दिया जाएगा, जहाँ मैं जाऊँगा उनकी शायद से। तो जो बिजली का बिल है और गन्ने की पेमेंट है, अगर किसान परेशान हो तो क्या मंत्री जी भी आकर समझा जाए किसानों ने, वहाँ भाई खड़गो ना कटो या परेशान ना हो या धरना प्रदर्शन ना करो, आपकी जो पेमेंट है गन्ने की टाइम पे मिलेगी? टाइम पे तो नहीं मिल रही, पेमेंट नहीं मिल रही टाइम, दिक्कत है, मतलब दिक्कत सामने आ रही है बहुत ज्यादा, ये दिक्कत होगी जो लोगों ने। फिर क्या करना चाह किसानों ने? बस इसके बारे में मतलब हमें कोई अंदाजा नहीं है कि होना चाहिए। हाँ जी, आपका क्या नाम है भाई साहब? अमीर। अमीर भाई आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से गांव दर गांव हम जा रहे हैं, युवा जो है, युवा भी बहुत ज्यादा परेशान है, कहीं ना कहीं उनके सामने एक समस्या ये भी आ रही है कि अग्निवीर अग्निपथ ये समस्या है, रोजगार की बहुत ज्यादा समस्या है, नजदीक कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कंडेले के पास ही जाकर थोड़ा बहुत है, तो बहुत सारे किसान भी और मजदूर भी और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं सब परेशान है। तो आप क्या कहना चाहोगे, परेशानी कैसे दूर हो सकती है, क्या सरकार उसके लिए कोई कार्य कर रही है, आपको क्या लगता है? देखो जो ये योजना लेकर आई है सरकार अग्निपथ योजना, ये बिल्कुल घटिया योजना है, और 4 साल में क्या करेगा आदमी, आप बताओ, 4 साल में, 4 साल वो भर्ती में चला गया, 1 साल की तो करीबन उसकी ट्रेनिंग होगी, 4 साल बाद वो आ गया, उसकी शादी भी है, ठीक, उसके रिश्ते वाले हमें क्या पूछेंगे उससे आगे कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, क्या करता है, आर्मी रिटायर है, अग्निपथ है, बताओ उसके बाद के भविष्य के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना सरकार ने, के बाद में क्या होगा क्या नहीं। बाद में दे तो रही है 22 लाख रुपए। अरे 22 लाख में क्या हो रहा भाई, उसके बच्चे भी हैं, शादी भी है, 22 लाख में क्या करेगा वो आगे, फिर जब उस पर हथियार चलाना जाएगा, सब कुछ आ जाएगा चलना, फिर चोर डकैत बनेगा। 22 लाख रुपए से अपना रोजगार कर सकता है, और योगी सरकार ने बोल भी दिया है कि हम भी यहाँ पे नौकरी देने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश ही तो करेंगे, वे तो सब बात कह रहे हैं, उनको चाहिए ना वो पूरी मेहनत के साथ आर्मी में जाए, और जिस तरीके से सरकार कह रही है कि 25% वहीं पर रहेंगे, तो उन्हें उन 25% में सम्मिलित होना चाहिए उसे भी। नहीं ये सब कुछ नहीं है, तो बस ठीक है, अपने कहने की बात है, जब 25% या 20% जाएंगे जब बताइए। आपको यकीन नहीं है सरकार की बात पर? हर बात खोखली निकले, फायदा क्या है इसमें? अभी क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है, जिस तरीके से किसान परेशान है, मजदूर भी परेशान है, उसमें कुछ हो सकता है? नहीं कुछ नहीं होगा, सब ऐसे ही थक्के बैठ जाओगे, सरकार हट्टी सरकार है या इतनी सैलरी मारने वाली नहीं है। मनाने के लिए राकेश टिकेट तो बोल रहे हैं हमने मनवा दिया है। देखो अगर युवा भी आंदोलन करेंगे तो सरकार ने तो घुटने टेकने पड़े,
भाई साहब क्या नाम है? सावेज। सावेज भाई आपको क्या लगता है किस तरीके से आप पूरे के पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, क्या बदलाव हो सकता है? सरकार जिस बिल को लेकर आई है उसमें कुछ बदलाव होगा? और जिस तरीके से अभी ताऊ जी ने बताया कि हमारे गांव में तो न मुनव्वर ने काम करवाया ना नाहिद ने काम करवाया, क्या उनकी फैन फॉलोइंग झूठी है या फिर केवल ये अफवाह फैलाई जा रही है? सभी गाँवों में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ होता है, सभी का हिस्सा होता है, कुछ उसके फैन फॉलोअर है, कुछ मंत्री के हैं, सभी के होते हैं। देख कहने की बात है कि नाहिद के हैं नहीं, मंत्री के भी हैं, नाहिद के भी हैं, सभी के हैं। और रही अग्निपथ इसके कानून की बात है तो वापस हो गया, किसान आंदोलन में वापस हटने की बात नहीं कर रहे थे, उसमें किसानों ने 13 महीने आंदोलन करा, वापस हटे हैं। अपनी बात तो गिने, माफी मांगी, घुटने टेकने पड़े। और अग्निपथ रही बात इसके अग्निपथ की, इस पर भी जैन चौधरी जी रालोद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे जगह जगह पंचायत कर रहे, मीटिंग कर रहे, उनकी कोशिश है कि अग्निपथ वापस हो। ये 4 साल में क्या कर लेगा नौजवान? 4 साल में 1 साल की तो ट्रेनिंग होगी उनकी, 3 साल की नौकरी, 3 साल में हो गए शहीद, तो क्या मिलेगा? अग्निपथ का दर्जा। करोड़ों रुपए दे तो रही है सरकार, 22 लाख रुपए दे रही है, 22 लाख रुपए में जो शहीद हो जाएंगे उनसे ज्यादा है, करोड़ों रुपए है उनके ना। शहीद हुए 4 साल में घर आ गए, 4 साल में घर आ गए, उसके बाद क्या करेंगे? 22 लाख रुपए में क्या करेंगे? शादी होगी तो बच्चों का खर्चा भी उठाना, महंगाई इतनी है, एक बच्चे की कोचिंग फीस 500-550 रुपए महीना की है, अब बताओ कहाँ से पूर्ति कर लेंगे? महंगाई इतनी है, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, किसान परेशान है। गन्ने का पेमेंट में सरकार कह रही 14 दिन में गन्ने की पेमेंट होगी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया। हमारे मिल का शामली मिल का है 24 दिसंबर तक का पेमेंट आया, बताओ अब चल रहा जुलाई, 8 जुलाई हो गया शायद आज, और 24 दिसंबर तक का पेमेंट आया, तो क्या सब झूठे वादे हैं? झूठी सरकार है, हिंदू मुस्लिम का सारा मामला फंसा के रखती है, पूरा देश बेरोजगार कर दिया, हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है अब क्या करना चाहिए? ऐसा कोई व्यक्ति है जो आएगा हिंदू मुस्लिम को दूर करेगा, गन्ने की पेमेंट के ऊपर काम करेगा, मजदूरों के लिए काम करेगा, युवाओं के लिए काम करेगा, किसानों के लिए काम करेगा? हाँ है, ऐसे बहुत हैं, गठबंधन है, जैसे ममता बनर्जी जी हैं, अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव तो इसी से बाहर निकलते नहीं, निकलना पड़ेगा, एसी में रहेंगे तो। आपने देखा होगा आजम खान भी हार गए तो किस तरीके से काम चलेगा, जब आजम खान जो मेन एक मान लीजिए राइट हैंड थे समाजवादी पार्टी के, जब वही हार गए तो किस तरीके से काम चलेगा? जब अखिलेश यादव जैसे लोग घरों में बैठकर काम करेंगे, आपको पता होगा मोदी जी ज्यादा काम करते हैं, अखिलेश यादव कम करते हैं ज्यादा काम? तो देखो अखिलेश जी ज्यादा करते हैं, अब चुनाव हार गए, अब उसका सवाल कि उपचुनाव में क्या लगता है, जो खेत में ज्यादा काम करेगा उसकी फसल अच्छी होगी, जो कम करेगा उसकी अच्छी होगी, जो ज्यादा करेगा? आपको क्या लगता है सरकार तो योगी जी की बनी, योगी ने ज्यादा काम किया या अखिलेश यादव ने? नहीं, हिंदू मुस्लिम का चुनाव हुआ ना, भेदभाव हुआ, मशीन में गड़बड़ हुई, काउंटिंग में गड़बड़ हुई। अब तुम रामपुर में ले लो, जहाँ 700 वोट वहाँ 7 वोट पड़ रहे, जहाँ 1300 वोट वहाँ 9 वोट पड़ रहे, तो इसमें धांधली सामने, सीधी सीधी धांधली सामने आ रही, इसमें क्या कर सकते हैं? ये वो डबल सरकार है, वो डबल इंजन की सरकार है, मालिक तो देश के ही है ना, जिस तरह देश को चला रहे, चल रहा देश, बोलने वाला कोई बोल, जो बोलता है उसको अंदर डाल दें। अब मैदान में आने वाली है, लोकसभा का चुनाव है और चारों तरफ कैंपेनिंग चली हुई है, आपको क्या लगता है अब की बार कैराना लोकसभा पर कौन अपने पैर जमा पाएगा? देखो न तो टाइम बताओगा, अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, टाइम बताएगा क्या होता है, पक्का नहीं कह सकते, पक्का नहीं कह सकते। गाँव वैसे मंत्री का भी बराबर है, इकरा का तो बहुत ही कम है, तो कभी वोटिंग होगी अगर मंत्री का एक तरफा है तो भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर रुक रहेगा। देखो भारतीय जनता पार्टी को हम जानते नहीं, हम तो मनीष चौहान को जानते हैं, टिकट हुआ तो मनीष चौहान के साथ, मनीष चौहान का एक तरफा रहेगा यहाँ का मामला। अगर टिकट किशोर को होता है तो हम वोट नहीं देने के, हम सिर्फ मनीष चौहान को और मंत्री को जानते हैं, हम किशोर को जानते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और गाँव मलकपुर में थे, गाँव की समस्या और गाँव में जिस तरीके से मनीष चौहान और मंत्री जी की फैन फॉलोइंग है, तो लगता है पूरा का पूरा गाँव मनीष चौहान का साथ देगा। और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि शायद मनीष चौहान भी अपने टिकट के लिए, लोकसभा टिकट के लिए अभी मैदान में है। गठबंधन की तरफ से ज्यादा जो इशारा हो रहा है वो इकरा चौधरी की तरफ हो रहा है, इकरा सन चुनाव लड़ सकती है, और गठबंधन से ज्यादातर जो बातें हो रही हैं वो केवल और केवल प्रदीप चौधरी के लिए हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन किसको टिकट देता है और किसको मैदान में उतारता है, ये तो पार्टी के ऊपर और गठबंधन के ऊपर की ही बात है। कैमरामैन चिरा के साथ अनिरुद्ध चौहान, धन्यवाद।